हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वेयर बेल्ट के बारे में, कन्वेयर बेल्ट एंड इट्स मेन पार्ट, जी हाँ, और उसके फंक्शन के बारे में। कन्वेयर बेल्ट के हर एक पार्ट को देखेंगे और हर एक पार्ट के फंक्शन यानी उस पार्ट का क्या काम है पूरा डिटेल में जानेंगे। मैकेनिकली ये मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में इसमें पूरा डिटेल जानेंगे। कन्वेयर बेल्ट, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कन्वेयर बेल्ट होता क्या है। तो कन्वेयर बेल्ट एक मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है जिसकी मदद से किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। कन्वेयर बेल्ट इस तरह से रबर का एक बेल्ट होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ प्लाइज होते हैं, थ्रेडिंग होती है उसके अंदर में, धागे का एक जाली होता है उसके ऊपर में रबर्स होती हैं। तो कन्वेयर बेल्ट ऐसा दिखता है, एक उसका ये आउटले है, हेड पुली होता है जिसमें मोटर लगा होता है और टेल पुली होता है, इन सब के बीच में ये घूमा रहता है एक राउंड जो रबर का बेल्ट है, और आगे वाले हेड पुली के घूमने से बेल्ट जो है बाकी बाकी सारे पुलीज के बीच में से घूमता है, और वो घूमते रहता है उसके ऊपर से जो मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहता है। आगे हम फील्ड से देखेंगे पूरे कन्वेयर बेल्ट को, घबराइएगा नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो पुली है वो हेड पुली है, हेड पुली यानी कि वहाँ से घूमने का पावर मिलता है इसको, वहाँ पर मोटर लगा रहता है, मोटर और गियर बॉक्स। हेड पुली घुमाता है सारे बेल्ट को और फिर हेड पुली टेल पुली से होते हुए ये सारे बेल्ट जो है, बैंड पुली ये जो दिख रहा है दो छोटा छोटा वो बैंड पुली है, और ये नीचे में जो लटका हुआ दिख रहा है वो ग्रेविटी टेकअप या फिर टेकअप पुली है। चलिए फील्ड में पहुँचते हैं, ये है हमारा हेड पुली। हेड पुली जो है थोड़ा बड़ा होता है, हेड पुली और टेल पुली का साइज लगभग सेम रहता है, और हेड पुली का काम होता है बेल्ट को घूमने के लिए पावर देना। जैसे कि हेड कहने का मतलब ये होता है मुख, और हेड कहने का मतलब होता है मुख्य। तो यहाँ पर हेड पुली का काम है इस कन्वेयर बेल्ट के लिए एक हेड की तरह काम करना, यानी कि ये जब घूमता है तभी कन्वेयर बेल्ट घूमता है। हेड पुली जो है वो गियर बॉक्स से कनेक्टेड रहता है, गियर बॉक्स जो कनेक्टेड रहता है वो मोटर से रहता है, मोटर हाई आरपीएम रहता है, मोटर का आउटपुट हाई आरपीएम का रहता है, इसलिए उसे गियर बॉक्स से कनेक्ट किया जाता है, कनेक्ट करके फिर पुल्ली को घुमाया जाता है, जिससे होता ये है कि हाई आरपीएम जो है वो लो आरपीएम में कन्वर्ट होता है और हाई टॉर्क में कन्वर्ट होता है। आरपीएम कम होने से टॉर्क बढ़ता है और बेल्ट का लोड लेने के लिए टॉर्क बहुत जरूरी है। तो अगर स्पीड ज़्यादा होगा बेल्ट का तो बेल्ट हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे सही ढंग से, मटेरियल जो है वो भी इसमें सही ढंग से नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें वहाँ पर स्पीड कम चाहिए और टॉर्क यानी कि लोड लेने का कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए। हेड पुली में रबर की लैगिंग लगी होती है, हेड पुली के ऊपर में रबर का एक ग्रिप बनाने के लिए लैगिंग लगाया जाता है। अब चलिए देख लेते हैं हेड पुली का काम, तो हम समझ गए, ये है नीचे में जो दिख रहा है ये स्नब पुली है। स्नब पुली का मेन काम होता है हेड पुली से बेल्ट का कॉन्टैक्ट एंगल बढ़ाना। जी हाँ, अगर हम स्नब पुली नहीं लगाएंगे तो बेल्ट का जो कॉन्टैक्ट है वो ऑलमोस्ट 180 डिग्री तक का रहेगा, यानी कि आधे पुली से कनेक्ट रहेगा। स्नब पुली का काम है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा देना, हेड पुली से कन्वेयर बेल्ट का जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बढ़ा देता है, 180 डिग्री से ज़्यादा कर देता है, जिससे कन्वेयर बेल्ट स्लिप नहीं होता और ग्रिप अच्छा पकड़ होता है। ये जो दो आप देख रहे हैं पुल्ली, ये दोनों बेयरिंग्स में लगे हुए हैं, दो पुल्ली हैं इसके अंदर में, कन्वेयर के अंदर में दो पुल्ली हैं, ये बैंड पुल्ली हैं, और बैंड पुल्ली जो है, बैंड पुल्ली के पास से बेल्ट जो है वो बैंड होकर के नीचे टेकअप पुल्ली से वापस आता है, पुल्ली से बैंड होकर नीचे जाता है और फिर नीचे से ऊपर आता है एक पुल्ली के ऊपर। ये दोनों पुल्ली और स्नब पुल्ली, इसमें कुछ लोड नहीं, ये खुद से नहीं घूमते हैं, ये बेल्ट की सहायता से घूमते हैं, जबकि हेड पुल्ली जो है वो खुद घूमता है और बेल्ट को अपने ऊपर घूमने का पावर देता है। ये देखिए दोनों बैंड पुल्ली के नीचे में एक टेकअप पुल्ली है। टेकअप पुल्ली का मेन फंक्शन होता है एक एक्स्ट्रा अपने पास एक रिजर्व में बेल्ट रखता है, वो कहीं अगर 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर बेल्ट अगर फट गया है तो टेकअप पुल्ली को ऊपर उठा करके एडजस्ट कर देते हैं। टेकअप पुल्ली का दूसरा फंक्शन ये होता है कि टेकअप पुल्ली जो है लंबे बेल्ट में बेल्ट टेंशन को बनाए रखने के लिए, अगर टेकअप पुल्ली नहीं लगाएंगे तो नीचे वाला जो बेल्ट है कन्वेयर बेल्ट का वो लूज हो जाएगा और उसका ग्रिप अच्छा नहीं आएगा और बेल्ट स्लिप करेगा हेड पुल्ली और टेल पुल्ली से। तो
एक टेंशन बना के रखना ताकि बेल्ट जो है सारे पुलिस के बीच प्रॉपर चले, ये इसका दूसरा सबसे मेन फंक्शन है। और बैंड पुली से ऐसे बेल्ट मुड़ा हुआ रहता है, मैं आपको सेंटर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये टेल पुली से आ रहा है बेल्ट, और ये नीचे वाला बैंड पुली है, इसके आगे में ऊपर वाला बैंड पुली है, और इन दोनों के बीच में नीचे टेकअप पुली है। तो जैसे हम टेकअप पुली को ऊपर करेंगे और, तो हमको एक्स्ट्रा बेल्ट जो है वो मिल जाएगा। और टेकअप पुली के नीचे में वेट लटकाया जाता है, एक बॉक्स बनाकर उसमें रेत भर दिया जाता है, इसलिए इसे ग्रेविटी टेकअप भी कहा जाता है। तो दोस्तों इंडस्ट्रीज में इसी टाइप के कन्वेयर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इंक्लाइंड है, यानी कि एक एंगल में है। तो अब एंगल की बात करते हैं दोस्तों, ये है आपका टेकअप पुली, आप देख सकते हैं नीचे। कन्वेयर बेल्ट जो है वो 15 to 17 डिग्री तक इंक्लिनेशन रहता है उसका, और मटेरियल के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है उसका इंक्लिनेशन 15 से 17 डिग्री तक होता है। ये अगर किसी भी इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये है बैंड पुली, ये दोनों बैंड पुली है जहाँ से बेल्ट बैंड होकर के टेकअप पुली में जाता है। अब चलिए धीरे से आगे बढ़ते हैं। कन्वेयर बेल्ट में टोटल 6 पुली होती है। हेड पुली जो हम देख लिए, स्नब पुली भी देख लिए, 2 बैंड पुली देख लिए, एक अपर एक लोअर, और एक टेकअप पुली भी देख लिए, और अब देखना बचा है हमको एक टेल पुली। तो ये 6 पुली होते हैं, लेकिन इन सब के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है कैरिंग आइडलर्स का और रिटर्न्स आइडलर्स का। तो उनके बारे में भी हम इस वीडियो में अभी देखेंगे। आइडलर दरअसल सिर्फ बेल्ट को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर में फ्रेम के साथ लगाए जाते हैं, और वो भी कुछ अलग अलग किस्म के होते हैं। हम आपको पूरा इस वीडियो में डिटेल बताएंगे कि आखिर कौन सा क्या होता है। ये देख सकते हैं आप, ये टेकअप है, टेकअप इस तरह से नीचे में लटका हुआ रहता है कन्वेयर बेल्ट के। आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे एक नीचे में, उसके नीचे में बॉक्स है, उस बॉक्स में सैंड भर देते हैं। सैंड भरने से उसका वेट आ जाता है थोड़ा सा, और पुल्ली को नीचे वो खींच करके रखता है, जिसकी वजह से बेल्ट जो है वो टेंशन में रहता है। ये है कन्वेयर का टेल पुल्ली, टेल यानी कि पूंछ, और इसी तरह से ये कन्वेयर बेल्ट का सबसे पीछे का पुल्ली होता है। इस बेल्ट से, इस पुल्ली से बेल्ट जो है वो वापस फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। और अब चलते हैं आइडलर्स के बीच में। आइडलर्स जो है वो कन्वेयर बेल्ट का लोड कैरी करने के लिए काम आता है। कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जो भी मटेरियल होता है उस मटेरियल का लोड ये कैरिंग आइडलर्स लेते हैं। आइडलर का मतलब होता है ये खुद तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ये कुछ ना करते हुए बहुत कुछ करते हैं। बेल्ट के ऊपर मटेरियल का पूरा लोड यही लेते हैं, और ये फ्री मूव कर सकते हैं, गोल घूमते हैं, इनमें दोनों साइड बेयरिंग्स लगे होते हैं। कैरिंग आइडलर फ्रेम 2 टाइप का होता है। पहला सेल्फ अलाइनिंग कैरिंग आइडलर फ्रेम, जैसा कि ये दिख रहा है सेल्फ अलाइनिंग कैरिंग आइडलर फ्रेम, ये एक ऐसा फ्रेम है जो कैरिंग आइडलर तो जिसमें है लेकिन ये खुद भी मूव कर सकता है। हर 10 मीटर के अंतराल में एक सेल्फ अलाइनिंग कैरिंग आइडलर होता है। सेल्फ अलाइनिंग कैरिंग आइडलर से बेल्ट को एडजस्ट किया जाता है। अगर बेल्ट एक साइड हो जाता है, वन साइड हो जाता है, तो उसे इसकी सहायता से एडजस्ट किया जाता है। और ऐसे ही ये है रिटर्न आइडलर। रिटर्न आइडलर 2 टाइप्स के होते हैं। ये आपका सेल्फ अलाइनिंग रिटर्न आइडलर है, देखती है ऐसे हम इसको घुमा सकते हैं। इसको ऐसे घुमाने से जो है बेल्ट अगर एक साइड है तो उसको एडजस्ट किया जाता है, और ये खुद बेल्ट एडजस्ट भी कर लेते हैं खुद। 10 मीटर के डिस्टेंस पर इसको भी लगाया जाता है। और ये है रिटर्न आइडलर फ्रेम, ये फिक्स फ्रेम है, और ये है आपका सेल्फ अलाइनिंग फ्रेम, ये खुद को अलाइन करते हैं। बेल्ट अगर इस साइड मूव कर रही है तो ये अपने आप उस साइड हो जाते हैं और बेल्ट को सेंटर पे रखते हैं। एक दूसरा टाइप का आइडलर होता है, वो होता है आपका इम्पैक्ट आइडलर। इम्पैक्ट आइडलर का इम्पैक्ट यानी कि होता है प्रहार। इम्पैक्ट आइडलर जो है मटेरियल के लोड, जो इम्पैक्ट आता है बेल्ट पर, उससे बेल्ट को बचाने के लिए किया जाता है। क्योंकि अगर मटेरियल डायरेक्ट रिटर्न आइडलर पे, कैरिंग आइडलर पे गिरेगा, तो वो
उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इस कैरिंग आइडलर में रबर्स की लेयर्स लगी होती हैं, जिसकी वजह से वो लोड ज़्यादा नहीं लगता है बेल्ट पर यहाँ और पर बेल्ट पे ज़्यादा हाइट से इम्पैक्ट नहीं गिरते आता है। हैं। कन्वेयर बेल्ट पर वहाँ पर इम्पैक्ट आइडलर लगाया जाता है ताकि मटेरियल के प्रहार से बेल्ट है उस पर कोई नुकसान ना पहुँचे और बेल्ट जो रबर का है वो डैमेज ना हो, डिफॉर्म ना हो, ख़राब ना हो। और ये है आपका प्रेसिंग रोलर है, आप देख सकते हैं इसे बना करके लगाया गया है। प्रेसिंग रोलर का काम है जैसे इसके बाद आगे बेल्ट जो है वो इंक्लाइन हुआ है यानी एक हाइट पे उठा हुआ है, तो यहाँ पर से बेल्ट जो है वो उठ जाता है कुछ कैरिंग आइडलर्स के ऊपर से और फिर मटेरियल स्पिलेज होने का चांसेस हो जाता है, तो इसे लगाया जाता है ऐसे ताकि बेल्ट दब कर चले। ये आपका सेल्फ अलाइनिंग कैरिंग आइडलर है और कैरिंग आइडलर जो हैं दोनों किनारे के कैरिंग आइडलर हैं वो हल्के से डिग्री में होते हैं एंगल में और उनके बीच में एक एक हॉरिजॉन्टली एक आइडलर लगा होता है ताकि मटेरियल जो है बीच में समतल जाए और आजू बाजू से थोड़ा ये देखिए ऐसे उठा रहता है, यू शेप बनाता है बेल्ट का जिसके ऊपर में मटेरियल जो है वो आसानी से कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह कन्वेयर। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।